अब दोस्तों गुरुद्वारे के कड़े प्रसाद की बात ही कुछ और है ना। कड़े प्रसाद के तो नाम में ही कड़ा है, जो प्रसाद अच्छे से कड़ के बनाया हो और कढ़ाई में बनाया हो, यानी कि कड़े में बनाया हो, और हाँ जब प्रसाद हाथ में आए तो इतना गर्म हो कि आपको उसको इधर उधर करना पड़े और हाथ से घी जरूर टपकना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कड़ा प्रसाद। दोस्तों आप एक बार ये रेसिपी से कड़ा प्रसाद बनाकर देखना, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब कड़ा प्रसाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। दोस्तों मैंने यहाँ पर नॉर्मल आटा लिया है। दोस्तों कड़े प्रसाद में जनरली मोटे आटे का, जो मोटा पिसा हुआ हो उसे गोल आटा कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसे एक टेक्सचर सा आता है, दरदरा सा। लेकिन आजकल जो डोनेशन होती है, जो सेवा में जो आटा दिया जाता है, वो नॉर्मल भी होता है और नॉर्मल से भी आजकल हलवा बनाया जाता है, उससे भी वैसा ही रिजल्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। मैं आपको कुछ टेक्निक्स तो बताऊंगा ही जिससे और बेटर आएगा ही, लेकिन आप घबराना मत, आप अपने घर का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप आटे के साथ मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी ली है और 2 कप ही घी लिया है, यानी कि 1:1:1, ये रेशियो ज़रूर याद रखना। मेरी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं तो अच्छे से कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ, लेकिन आप अगर घर में 4-5 लोगों के लिए बना रहे हो तो 1 कप ये क्वांटिटी बिल्कुल काफ़ी होगी, यानी कि 1 कप आटा, 1 कप घी, 1 कप चीनी काफ़ी होगी। पानी की क्वांटिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, पानी आटे का बिल्कुल डबल होगा, यानी 1 कप अगर आप आटा ले रहे हो तो 2 कप पानी। मैं यहाँ पर 2 कप आटा ले रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर 4 कप पानी लिया है, ध्यान देना इस बात का। जनरली जो प्रसाद का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो सिंपल ही होता है, उसको सिंपल चीज़ों से ही बनाया जाता है, रेशियो भी सेम रखा जाता है और प्योर चीज़ें जैसे कि देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि शेल्फ लाइफ भी बढ़े, भुन के बनाया जाता है जिससे लॉन्जिटिविटी रहे, कहीं पे भी आप उसको ले जा पाओ। इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ एक और चीज़ होती है प्रसाद में, वो है सेवा भाव। सेवा भाव से अगर आप हलवा बनाओगे, दिल से बनाओगे, तो गारंटी अच्छा बनेगा। और मैं आपको थोड़े बहुत साइंटिफिक फैक्ट्स तो बताऊंगा ही, जिससे आपका हलवा एक लेवल ऊपर तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हैवी बॉटम कढ़ाई ली है। एक हैवी बॉटम कढ़ाई बहुत जरूरी है ताकि हम उसकी रेजिडुअल हीट से बची कुची जो हीट बचती है ना कढ़ाई में, उसका यूज करके इस प्रसाद को और भी बढ़िया बनाए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले घी डालना, घी जैसे ही पिघल जाए फिर आपने यहाँ पर आटा डालना है। घबराना बिल्कुल भी मत, गुटलियाँ नहीं आएंगी, आप बस इसको स्टर करते रहना, अपने आप ही आटा धीरे धीरे करके घी में मिल जाएगा। सबसे की पॉइंट यहाँ पर जो है वो है स्टर करना, और दूसरा जो की पॉइंट है वो है मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना। लो फ्लेम पर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा, अगर आप हाई फ्लेम पर बनाओगे तो आप इसके स्टार्च को, आटे के स्टार्च को ढंग से पका ही नहीं पाओगे। और दोस्तों स्टार्च की जब भी कुकिंग होती है, वो तभी होती है जब उससे मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। आपको यकीन नहीं होता ना कि आटे में भी मॉइस्चर होता है, यानी कि आटे में भी पानी होता है, तो आप ये देखो ध्यान से, आटा जैसे ही टेम्परेचर पर आया है, गर्म होना शुरू हो गया है घी के साथ, तो आप देखो इसमें बुलबुले, झाग आनी शुरू हो गई है। ये झाग ही ये सिग्निफाई कर रही है कि आटे में काफ़ी मॉइस्चर है जो उसने अपने एटमोसफेयर से एब्जॉर्ब किया है, अब इसी पानी को ही आपने निकालना है। जब स्टार्ट से सारा पानी निकल जाएगा ना, देखो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं पकाते जाऊँगा, जो हमारा आटा है उसका कलर भी चेंज होता जाएगा और वो जो बुलबुले हैं, वो जो झाग है, वो भी कम होती जाएगी। आप ये देखो धीरे धीरे करके स्टर करते रहना, धीरे धीरे करके आप देखना बिल्कुल भी झाग नहीं रहेगी, और अब आटे को जब आप भून रहे होगे तो उसमें कलर आना शुरू हो जाएगा। आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि मेरे को टोटल 20 मिनट लग गए थे हलवा पकाते पकाते, तो 15-20 मिनट एक टाइम फ्रेम लेकर चलना, इतना आपको मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनना पड़ेगा। बस दोस्तों इसी लेवल तक आपने पकाना है, बहुत ज़्यादा कलर आप मत लाना, नहीं तो बिल्कुल बर्न्ट टेस्ट आएगा, जला हुआ आटा बनेगा। काला काला कड़ा प्रसाद कभी आपने देखा है? नहीं ना, ब्लॉन्ड कलर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा रंग आना चाहिए। और दूसरा तरीका जानने का ये है कि जो आटा है वो नीचे बैठ जाएगा और लिक्विड सा ऊपर होगा, पतला घी ऊपर होगा। बस इस स्टेज तक आपने पकाना है, फिर आप यहाँ पर पानी डाल देना और एकदम से आटा स्वेल अप करना शुरू हो जाएगा। जो स्टार्च हमने भुना है ना, जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है, वो 4-5 times ज़्यादा पानी पीने लग जाएगा, इतना फूल जाएगा दोस्तों आटा। अब इसी फूलने का हमने इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आटे में फ्लेवर डालना है, यानी कि इस स्टेज पर आपने यहाँ पर चीनी डालनी है और इस चीनी में अब आपने काढ़ना है इस आटे को। और ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, हमने आटे को तो बहुत अच्छे से भून दिया,
लेकिन हम जब घर पर बनाते हैं हम चीनी में ज़्यादा इस प्रसाद को पकाते ही नहीं हैं। तो बस चीनी डालने के बाद अब अपना हाथ चलाते रहना और लो फ्लेम पर अच्छे से इसको भूनते रहना। धीरे धीरे करके क्या होगा कि इससे घी अलग होना शुरू होगा। बस उस स्टेज तक आपने पकाना है। ये देखो आप इसको स्टर करते रहना, आप इसको भूनते रहना, धीरे धीरे करके घी इससे अलग होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आराम आराम से पकाना, जल्दबाजी कोई नहीं है। बिल्कुल शांत दिल से और शांत मन से आप इसको पकाना और आप देखना रिजल्ट आएगा दोस्तों। जो आटा है वो लई लई की बजाय धीरे धीरे उसमें टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा और तभी वो बनेगा कड़ा प्रसाद। अब ये देखो धीरे धीरे करके इसका कलर भी बदलता जा रहा है और अब देखो घी कितना अलग हो गया दोस्तों। बिल्कुल ऐसा होता गया ना जैसे गुरुद्वारे में होता है। अगर दोस्तों अभी आप इस हलवे को खा लोगे ना तो आपको बिल्कुल गुरुद्वारे वाला टेस्ट नहीं आने वाला। टेस्ट तभी आएगा गुरुद्वारे वाला जब आप एकदम लो फ्लेम पर इसको छोड़ दोगे, थोड़ा सा इसको पकने दोगे, आराम आराम से हल्के से बुलबुले आते रहे, घी सेपरेट होता रहे और फिर आप इसको खाना। ऐसे नहीं कि एकदम गरम गरम है, पक गया है तो बस खा लिया। नहीं नहीं पकने के बाद भी हल्की सी कुकिंग होनी चाहिए इसमें, हल्की सी हीट में, और तभी और फ्लेवर डेवलप होता है। बस इस स्टेज तक आपने पकाना है, अब फिर आपने खाना है और फिर आप देखना हलवे का टेक्सचर, हलवे का टेस्ट सब कुछ डिफरेंट होगा दोस्तों। बिल्कुल गुरुद्वारे जैसा होगा। वहाँ इतनी क्वांटिटी में बनता है और इतने आराम आराम से पकाया जाता है कि स्वाद ही अलग आता है। और वो ही सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। शांत मन से, शांत दिल से आप इसको बनाना सेवा भाव से और आपका कड़ा प्रसाद भी बहुत बढ़िया बनेगा दोस्तों। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ घी हाथ से तर तर होना चाहिए तभी स्वाद आएगा।